हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। इसी साल फरवरी में हुए थे ऑस्कर अवार्ड्स अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। किसे अवार्ड मिला किसे नहीं वो तो हम सब जान चुके हैं। अभी हम बात करेंगे उस पानी की बोतल के बारे में जो उस समारोह में आए गेस्ट को पीने के लिए रखा गया था। 600 ml की उस पानी की बोतल की कीमत थी $37। चौंकिए नहीं, बिल्कुल सही सुना है आपने जी। यही पानी हमारे विराट कोहली भी पीते हैं और दूसरे खिलाड़ी या फिर सेलिब्रिटीज। अब सवाल है कि भैया, इस पानी में ऐसा क्या होता है जो इतना महंगा है? तो जवाब है, इनके पानी में होते हैं ज्यादा हाइड्रोजन। जी फिर से सही सुना है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पानी का फॉर्मूला H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, जिससे मिलकर बनता है पानी का मॉलिक्यूल। अब भैया, ये हमारे आपके पीने का पानी, जिसे या तो हम हैंडपंप से निकालते हैं या फिर इंतजार करते हैं कि कब आए म्यूनसिपैलिटी का पानी और हम भरें, लेकिन इनका पानी होता है हाइड्रोजन वाटर। टेंशन मत लीजिए, कोई केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। हम है ना, हम समझाएंगे आपको बिल्कुल आसान भाषा में। शरीर में पानी की क्या अहमियत होती है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाटर के आने के बाद दिनों दिन ये अहमियत और बढ़ रही है। पानी हो रहा है कम, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या करें जो पानी पिए कम लेकिन उसका फायदा मिले ज्यादा। अब अगर इसके नाम से समझने की कोशिश करें तो जब पानी में साइंटिफिक मेथड से अलग से हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट कराई जाती है तो तैयार होता है हाइड्रोजन वाटर। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा नॉर्मल पानी से ज्यादा होती है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। जिस तरह गैस और गैस के बीच रिएक्शन हो सकती है, उसी तरह लिक्विड और गैस के बीच भी रिएक्शन हो सकता है। यहाँ लिक्विड है पानी और गैस है हाइड्रोजन। नॉर्मल वाटर को हाइड्रोजन वाटर बनाने के लिए जब इसमें हाइड्रोजन इंजेक्ट कराते हैं तो पानी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि क्या करें जो थोड़ा पिए और फायदा मिले ज्यादा। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है? तो ये बॉडी में बनने वाली वो चीज होती है जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा शरीर को रिफ्रेश और तंदुरुस्त करने में मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट अगर हमारे शरीर में अच्छे अमाउंट में बन रहे हो तो ये उस बुरे असर को भी कम कर देते हैं जो पॉल्यूटेड वातावरण की वजह से हमारे शरीर पर पड़ता है। इस वाले पानी में ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या बचपन से जो पानी का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वो अब बदल जाएगा? जी नहीं। अरे रुकिए, हम है ना समझाते हैं क्यों। ये पूरी दुनिया कुछ एटम्स और परमाणुओं से मिलकर बनी है। अब तक हमने ऐसे कुल 118 तरह के एटम्स का पता लगाया है। एटम्स हम जैसे होते हैं, अरे हमारे आकार के नहीं, हमारी प्रवृत्ति के जैसे। जिस तरह हम अकेले नहीं रह पाते, उसी तरह ये भी दूसरे एटम्स के साथ रहना पसंद करते हैं। साथ रहने के लिए जिस तरह हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, उसी तरह ये भी, लेकिन केमिस्ट्री में इसे बॉन्ड बनाना कहते हैं। जब हम साथ रहते हैं तो परिवार बनता है, और जब एटम साथ रहते हैं तो मेरा मतलब बॉन्ड बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल यानी अणु बनता है। हम बात कर रहे हैं पानी की, तो पानी का मॉलिक्यूल H2O कहलाता है, जिसे हम बचपन से सुनते और पढ़ते आते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन को पकड़ रखा है, मतलब बॉन्ड बना रखा है। अब हाइड्रोजन वाटर में होता क्या है कि इसमें परिवार यानी मॉलिक्यूल की बनावट नहीं बदलती, बस एक और परिवार उनके साथ रहने आ जाता है, और उस परिवार का नाम है हाइड्रोजन गैस। इसलिए पानी का फॉर्मूला नहीं बदलता, बस उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो था ना एकदम सिंपल और समझने वाला। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।